मुझे रेस्टोरेंट्स में जाकर चाइनीज़ फूड खाना बहुत पसंद है, और चाइनीज़ फूड की बात की जाए तो मेरी फेवरेट डिश है पैन फ्राइड नूडल्स। पैन फ्राइड नूडल्स का मतलब नूडल्स जिनको पैन के अंदर धीमी आंच पे हम क्रिस्प करेंगे, फ्राई करेंगे। ये नूडल्स ऑलरेडी बॉयल्ड हैं, देखिए ऐसे। इसी नूडल्स से आप चाउमीन भी बनाते हैं, इसी नूडल्स से आप हाका नूडल्स भी बनाते हैं, इसी को आप सूप्स में भी डालते हैं, इसी से मैं आज पैन फ्राइड नूडल्स बनाऊंगी। एक छोटे पैन में मैं ले रही हूँ तकरीबन एक बड़ा चम्मच ऑयल, और इस ऑयल में अभी नूडल्स डाल देंगे हम। इन नूडल्स को आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, इन्हें प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से नीचे सेटल हो जाएं, फूले फूले ना रहें। इन नूडल्स को धीमी धीमी आंच पे हम क्रिस्प होने देंगे, और जब ये एक साइड से क्रिस्प हो जाएंगे इसे पलट कर हम दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लेंगे। तो जब तक मेरे नूडल्स क्रिस्प होते हैं, चलिए मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ इसके लिए एक बढ़िया सी सॉस। ये सॉस इसकी टॉपिंग होगी, और इस सॉस में मैं डालने जा रही हूँ ढेर सारी वेजिटेबल्स। तो क्या क्या वेजिटेबल्स हैं मेरे पास? मेरे पास है यहाँ पर ब्रोकली, मेरे पास रेड बेल पेपर्स हैं, मेरे पास ग्रीन बेल पेपर्स हैं, येलो बेल पेपर्स हैं, बीन्स हैं, कैरेट्स हैं जिन्हें बड़े फैंसी शेप में मैंने कट कर लिया है, और साथ ही साथ मेरे पास है ये कैबेज भी जिसे मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। अगर आपके पास सिर्फ बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च है, आप इनसे भी बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ढेर सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हों आपके पास। आप अगर इसमें चिकन ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकती हैं, प्रॉन्स ऐड करना चाहें तो डेफिनेटली प्रॉन्स भी ऐड कर सकती हैं। इट्स एंटायरली योर विश व्हाट यू वांट टू ऐड टू दिस। जैसे जैसे ये ऑयल अब्सॉर्ब होता जाएगा, यू माइट हैव टू ऐड अ लिटिल मोर ऑयल टू इट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी सॉस बनाना, और इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक अ टाइनी अमाउंट ऑफ ऑयल, जस्ट अ टीस्पून ऑफ ऑयल इन माई पैन। नूडल्स मेरे क्रिस्प हो रहे हैं तो इनको एक बार पलट लिया जाए। आपको पलटने में इसे थोड़ी तकलीफ आ सकती है, तो आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दिस। जस्ट टेक अ प्लेट, और इस प्लेट को इसके ऊपर रखिए, इसे टर्न कीजिए और वापस स्लाइड इन कर दीजिए। इसी तरह से भी आपके नूडल्स इजीली आप क्रिस्प होते रहेंगे। मेरा तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन। सो वन टीस्पून ऑफ फाइनली चॉप गार्लिक गोज़ इन देयर। गोल्डन कर लेते हैं हम। गार्लिक गोल्डन हो रहा है, तब तक जल्दी से मैं बना लेती हूँ अपनी कॉर्नस्लरी। कॉर्नस्लरी के लिए मैं ले रही हूँ एक कप पानी। और ऐसे एक कप पानी में मैं मिलाऊंगी एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, छोटा चम्मच। आप चाहें तो स्टॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्टॉक विल ऐड अ ब्यूटीफुल फ्लेवर टू योर सॉस। अगर आप चिकन ऐड कर रहे हैं तो चिकन स्टॉक ऐड कीजिए, नहीं तो वेजिटेबल स्टॉक भी यूज कर सकते हैं। गार्लिक हैज टर्न्ड अ नाइस गोल्डन कलर, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब बारी आती है इसमें डाल देने की ये सारी की सारी वेजिटेबल्स। इन वेजिटेबल्स के साथ साथ मैं ये दो लाल मिर्च हैं इनको भी तोड़ के डाल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका एक अच्छा सा स्पाइस फ्लेवर इसमें आ जाए। चिलीज भी इसके साथ टॉस हो जाएंगी, और साथ ही साथ में थोड़ा सा फ्रेग्रेंट भी हो जाएंगी। और अब बारी आती है डालने की इसमें ये शेजवान पीस। मैं बना रही हूँ पैन फ्राइड नूडल्स विद शेजवान सॉस, वेजिटेबल्स इन शेजवान सॉस। आप चाहें तो ब्लैक पेपर सॉस भी बना सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू डू अ नाइस शेजवान सॉस। देयर आई गो, थोड़ा सा इसमें शेजवान सॉस डालते हैं। वेजिटेबल्स को इसके साथ टॉस करते हैं। नाउ आई विल पोर इन माई कॉर्नफ्लेवर, अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर मोर। लेट दिस कम टू अ बॉयल, और अब स्वाद के अनुसार से इसमें डालते हैं हम नमक। नूडल्स को बॉईल करते वक्त मैंने ऑलरेडी सॉल्ट डाला हुआ है, तो नूडल्स में थोड़ा सॉल्ट है। आई जस्ट वॉन्ट टू इंश्योर कि मेरे वेजिटेबल्स में सॉल्ट एनाफ होना चाहिए।
जब मेरी सॉस बॉइलिंग में सिमरिंग पे आ जाएगी, मैं डालूंगी इसमें तकरीबन एक चम्मच विनेगर, और इसी के साथ आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स को अच्छे से पक जाने देते हैं और साथ ही साथ अपनी सॉस को भी थोड़ा थिकन हो जाने देते हैं। एंड लेट्स टेक अ क्विक चेक, हमारे नूडल्स क्रिस्प हुए कि नहीं। तो ये नूडल्स बाहर से तो अच्छे से क्रिस्प हो गए, लेकिन अंदर अभी भी सॉफ्ट है। सो यू हैव अ ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्ट एंड क्रिस्प ऑन द आउटसाइड। माय वेजिटेबल्स आर आल्सो डन, माय नूडल्स आर आल्सो डन, टाइम टू प्लेट इट ऑल अप। माय क्रिस्प नूडल्स, ये बनता है एक ब्रेड जो जाता है सबसे पहले मेरी डिश में, बेस में, और अब इसके ऊपर ये गर्मा गर्म सॉस एंड वेजिटेबल्स हम पोर कर देते हैं। स्पून ऑफ द वेजिटेबल्स फर्स्ट, देयर सो मच ऑफ कलर, सो मच ऑफ फ्लेवर ऑन माय प्लेट। फाइनल गार्निश एक थोड़ा सा कोरिएंडर, या आप चाहें तो पार्सले के साथ, एंड यू आर रेडी टू डिग इनटू दिस। ट्राई कीजिएगा घर में और मुझे बताइएगा कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल पैन फ्राइड नूडल्स आपको कैसे लगे।